अब तक मैंने सिंपल टच स्विच बोर्ड बनाया, उसके बाद ब्लूटूथ टच स्विच बोर्ड बनाया, फिर मैंने वाईफाई बेस्ड टच स्विच बोर्ड बनाया। अब मैंने इसको थोड़ा और एडवांस करते हुए और सिंपल करते हुए मैंने इसे RF बेस्ड, यानी हम लोग रिमोट से भी इस टच स्विच बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज अजय कुमार, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में। इस प्रोजेक्ट की खास बात है कि ये हमारा टच बेस है, यानी इसमें मैंने TTV223 को यूज किया है। ये मेरा रिमोट है और ये मेरा टच स्विच बोर्ड है। जो हमारा टच स्विच बोर्ड है, इसके अंदर हमारे पास है चार स्विचेस, जिसके थ्रू हम लोग हमारे चार अप्लायंसेस है। इसको मैं मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकता हूँ और टच स्विच बोर्ड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी जो मेरा रिमोट है उसके थ्रू भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट की खास चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ एक मैन्युअली बटन भी दिया है, तो मैन्युअल बटन के थ्रू हम लोग हमारे जब भी हम कोई रिमोट यूज़ नहीं करना हो तो हम लोग इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब भी हम लोग ऑन करेंगे तो हमारे जो टच स्विच बोर्ड है, यानी हमारे जो टच सेंसर्स है, वो वर्क करेंगे, और जैसे हम लोग इसको बंद कर देंगे तो ये हमारा जो रिमोट है वो बंद हो जाएगा। और सेम चीज़ हमारे पास ये हमारा जो बोर्ड है, इसके अंदर हमारे पास चार प्लग्स हैं, तो चार प्लग भी यूज़ कर सकते हो। यदि आप उसको डायरेक्ट बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो यदि आप रूम के बाहर हो या फिर दूसरे रूम में या तीसरे रूम में हो तो वहाँ से भी आप अपने इस RF को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अच्छी हमको मिल जाती है। पहले हम इसकी PCB को इसके साइज के हिसाब से कट कर लेंगे, उसके बाद हमें इसकी PCB को सैंड पेपर के थ्रू घस देना है, और घसने के बाद कुछ इस तरह की जो शाइन है वो आनी चाहिए। इसके थ्रू हमारा जो PCB है वो प्रिंट अच्छा होगा। तो ये दोनों PCB हम लोगों ने सैंड पेपर के थ्रू हम लोगों ने कम्प्लीटली घस दी है। अब हमें दोनों PCB को हमारी जो प्रिंटेड फाइल है उसके साथ टेप के थ्रू अच्छी तरह चिपका देना है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारी जो दोनों PCB है वो इसके पेपर के साथ हम लोगों ने अटैच कर दी है। अब हम इसे आयन के थ्रू इसे हीट करना है, जिसके थ्रू हमारे जो पेपर के ऊपर जो प्रिंट हुआ है वो हमारे PCB के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यूसली 3 to 4 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली रखना है और इसे हीट देते रहना है। तो ये जो आप इन दोनों PCB इसको हीट करेंगे, इसके अराउंड 10 मिनट्स के अंदर आपको ये दो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। तो ये भी हमारी PCB जो है वो कम्प्लीटली हीट कर चुके हैं हम लोग। अब हमें इन दोनों टेप्स को निकाल देना है और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें कुछ इस तरह का मिला है। अब कुछ जगह पे हमारा जो PCB के ट्रेसेस है वो रह गए हैं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमें मार्कर का यूज़ करना है और उन जगहों को फिल अप कर देना है। तो ये भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें इस PCB जो एक्स्ट्रा कॉपर्स है उसे हम निकालने के लिए हम लोग इचिंग प्रोसेस करेंगे। इचिंग प्रोसेस के लिए मैं यहाँ फेरिक क्लोराइड का यूज़ करने वाला हूँ, जो हमारा नॉर्मली इचिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारा फेरिक क्लोराइड है उससे मैंने इस लिक्विड फॉर्म में बना लिया है। अब हम इससे हमारी जो PCB है उसके अंदर ढालेंगे और इसे हम 5 to 7 मिनट्स के लिए हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा कॉपर्स होगा वो आपका निकल चुका होगा। अब हमारा जो PCB है कंप्लीट हो गया, इसको क्लीन कर लेना है पानी के थ्रू, और अब हमें इसको ड्रिल करना है। तो जो भी हमारे पैड्स हैं उनको हम लोग ड्रिल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी जो दोनों PCB है उस पर हम लोगों ने ड्रिल कर लिया है, जो ड्रिल्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कंपोनेंट्स प्लेस करेंगे। तो इसका जो स्केमेटिक डायग्राम है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप इजीली इसको देखकर आप इस PCB को असेंबल कर सकते हो। तो इसमें हम लोग पहले IC बेस कनेक्ट करेंगे, LEDs को कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा जो रजिस्टर है उसे, फिर ऑसिलेटिंग रजिस्टर जो हमारा है, फिर हेडर्स को हम दोनों कनेक्ट कर लेंगे, फिर हमारे जो VCC और ग्राउंड के वायर के लिए हम यहाँ दो वायर को कनेक्ट करेंगे, और अब हमारे जो लीड्स है उसको हम लोग कट कर लेंगे, और जो इसका एंटेना है उस रिसीविंग मॉड्यूल के लिए उसे हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, और अब IC और हमारा रिसीविंग मॉड्यूल है RF का उसे हम इस PCB के साथ लगा देंगे। तो ये हमारा रिसीविंग मॉड्यूल की PCB जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी ट्रांसमिशन मॉड्यूल की PCB को बनाएंगे। तो इसमें भी सेम हमारे इसके जो स्केमेटिक डायग्राम है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें भी हम 1 by 1 इसके जो कंपोनेंट्स है उसे हम प्लेस करेंगे। 7805 है, फिर इसका एंटेना है, IC बेस है, सबको हम लोगों ने इसके साथ
कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसके आईसी और ट्रांसमिशन मॉड्यूल को वहाँ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो हमारा दोनों का ट्रांसमिशन और रिसीव मैंने हेडर्स के अंदर कनेक्ट किया है उसमें वो लूज़ रहते हैं, तो कनेक्शंस ब्रेक होते रहते हैं। तो आप यदि पीसीबी बनाए तो ये गलती ना करें, डायरेक्टली जो पीसीबी है हमारे रिसीविंग मॉड्यूल और ट्रांसमिशन मॉड्यूल दोनों को पीसीबी के साथ डायरेक्ट सोल्डर कर दें। हेडर्स यूज़ करेंगे तो वो कनेक्शंस लूज रहेंगे। तो रिले मॉड्यूल की जो फाइल है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा जो मैंने पहले एक रिले मॉड्यूल का एक वीडियो बनाया था उसमें भी आपको इसकी फाइल मिल जाएगी। तो रिले मॉड्यूल को बनाने के लिए हम लोग पहले इनके रजिस्टर्स हैं वो भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने SMD कंपोनेंट्स के जो रजिस्टर्स है वो यूज़ किया है। इसकी जो फाइल है उसमें आपको यदि थ्रू ऑल कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल है रजिस्टर्स है तो वो आप चेंज करके थ्रू ऑल रजिस्टर के लिए भी PCB प्रिंट कर सकते हो, तो वो आपको इजी पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने इसके जो बेस रजिस्टर है उनको कनेक्ट किया है। अब हमारे जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है वो हमारे एमिटर और बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वन बाय वन हम लोगों ने इनके बेस के रजिस्टर भी, जो एमिटर डिस्चार्ज रजिस्टर होते हैं, उसे भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ हम लोगों ने जो 4 LEDs को यूज़ किया उसके लिए हम लोगों ने 680 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है, उसे भी हम लोग इसके साथ लगा लेंगे। तो हमारे बैक साइड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट साइड में हम लोग पहले हमारी इसकी PCB पर रिले को कनेक्ट करेंगे और सेकंड इसके साथ हमारा जो डायोड है उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो डायोड और रिले हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके साथ हमारे NPN ट्रांजिस्टर जो है BC547 उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब हम इसके साथ LEDs को कनेक्ट करेंगे और यहाँ 3 जंपर्स दिए हुए हैं तो तीनों जंपर्स को भी हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारी PCB का जो है फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके साथ वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। वायर कनेक्शन करने के बाद हम हमारे रिले मॉड्यूल को चेक करेंगे कि ये रिले मॉड्यूल हमारा कम्प्लीटली रन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए पहले हम इसको VCC और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और वन बाय वन इसके जो चारों वायर है उसको चेक करेंगे और हमारी जो रिले है वो ऑपरेट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ हमारी रिले है वो कम्प्लीटली रन हो रही है। अब हम इस रिले मॉड्यूल को रिसीविंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने इसके जो रिले मॉड्यूल के अंदर से जो वायर निकल रहे हैं VCC और ग्राउंड और चारों सिग्नल के वायर, वो हमारे रिसीविंग मॉड्यूल जो RF रिसीविंग मॉड्यूल की PCB है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब हमारे जो ट्रांसमिशन मॉड्यूल है जो हमारा रिमोट होगा उसके लिए हम PCB और उसके जो टच पैड है यानी TDP223 यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया है उसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए पहले हमारे जो TDP223 है उसके लिए वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो वायर कट करेंगे, वायर कट करने के बाद यहाँ इन दोनों में जो ब्लैक वायर है उसको ग्राउंड और वाइट वायर है उसको VCC के साथ कनेक्ट करेंगे और दोनों को कॉमन VCC ग्राउंड दे देंगे। इसी तरह ये वन मॉड्यूल हुआ, इसी तरह से दूसरे दो मॉड्यूल्स है उनको भी हम लोग इसी तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों मॉड्यूल्स हमारे कम्प्लीटली कनेक्शंस हो चुका है। अब हम इन दोनों मॉड्यूल के VCC ग्राउंड को कॉमनली कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम दो वायर्स लेंगे और दोनों साइड से हम लोगों ने VCC और ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब हमको एक वायर लेना है जिसके अंदर VCC ग्राउंड और चारों सिग्नल के वायर्स में से आउटपुट निकलेंगे, तो उन्हें भी इस तरह से कट कर लेना है और इनके जो सेकंड दूसरी साइड है उसे हम हमारे ट्रांसमिशन मॉड्यूल के VCC ग्राउंड और चारों सिग्नल वायर्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो वायर है हमारे ट्रांसमिशन मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसके जो सेकंड साइड जो वायर्स है उसे हम हमारे टच सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब ये कनेक्शंस हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो सिग्नल्स वायर है वो हमारे IO जो टच सेंसर के IO के साथ कनेक्टेड है और जो ब्लैक और वाइट वायर है वो हमारे VCC और ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये कनेक्शन करते आपको ध्यान रखना है कि कुछ कनेक्शंस गलत ना हो जाए, अदरवाइज़ आप के टच सेंसर को डैमेज कर सकता है। अब टच सेंसर को एज हम टॉगल स्विच की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले यहाँ इसके बी को शॉर्ट कर देना है। तो चारों सेंसर के बी को शॉर्ट कर देना है। तो हमारे रिमोट को टेस्ट करने के लिए पहले हमारे इसका जो प्लस और माइनस के वायर है वहाँ हम हर बैटरी के कनेक्टर को कनेक्ट कर लेंगे। बैटरी के कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ उसके साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये जो ट्रांसमिशन मॉड्यूल है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ इसके चारों स्विच ऑपरेट हो रहे हैं।
अब हमारा जो दूसरा रिसीविंग मॉड्यूल है उसे भी हम VCC और ग्राउंड देंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा रिसीविंग मॉड्यूल और ट्रांसमिशन मॉड्यूल दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग होकर रन हो रहा है कि नहीं। तो ये भी हमारे दोनों मॉड्यूल्स है वो वर्क कर रहे हैं। अब हमारा जो रिमोट है उसको हम एक बॉक्स है उस बॉक्स के साथ लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए यहाँ मैंने पहले स्विच को लगाया है और इसे हम ग्लू गन के थ्रू अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। और यहाँ हमारे जो स्विच है उसके कनेक्शंस के लिए यहाँ प्लस VCC जो वायर है हमारा बैटरी के थ्रू आ रहा है उसे हम कट करेंगे और स्ट्रिप करने के बाद इसे हमें हमारे स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो बैटरी है लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि हमें जब रिमोट ऑन करना हो या यूज़ करना होगा तभी हम इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ़ कर देंगे तो जो बैटरी लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया और इसे ग्लू गन के थ्रू इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे जो चारों स्विच हैं टच सेंसर के उसे हमारे बॉक्स में फिक्स कर देना है। तो चारों स्विच को हम लोग ग्लू गन के थ्रू इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब हमें हमारे रिले मॉड्यूल को पावर देने के लिए यहाँ 5 वोल्ट का SMPS कनेक्ट करना है, जो कि रिले के अंदर एक जगह रखी हुई है। तो वहाँ आप अपने रिले मॉड्यूल के थ्रू आपके पास जो भी पावर सप्लाई हो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और इसके साथ कुछ हेडर्स जो VCC और ग्राउंड के साथ वो कनेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास जो भी पावर सप्लाई अवेलेबल हो 5 वोल्ट के लिए वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ दोनों में प्लस VCC और लाइन और न्यूट्रल के लिए यहाँ कनेक्ट किया है। और यहाँ मैंने रिले मॉड्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा होल्स किए हैं और उन होल्स को मेरे इसके साथ एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ मैंने अभी ये दोनों मेरे PCB के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब कनेक्ट करने के बाद में हमारा जो VCC यानी जो प्लस है और ग्राउंड है यानी उन दोनों को हमारे रिले मॉड्यूल के साथ कर लेंगे। अब जो रिले का कॉमन वायर है उसे हम हमारे लाइन के साथ, ये जो हमारा SMPS है उसके लाइन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो हमें एक कनेक्शंस कम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को जो SMPS का लाइन और न्यूट्रल वायर है उसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ ग्लू गन के थ्रू इसको सेफ्टी से हम कनेक्ट कर देंगे और SMPS को भी हम ग्लू गन के थ्रू इसे कम्प्लीटली कनेक्ट कर देंगे। हमारे जो वायर लूज़ ना हो इसके लिए जहाँ वायर हम लोगों ने कनेक्ट किया है वहाँ भी हम लोग ग्लू गन के थ्रू ग्लू लगा देंगे तो वायर भी यहाँ से निकलने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हमारा कनेक्शंस का जो पार्ट है रिले मॉड्यूल का और ये हमारे ट्रांसमिशन मॉड्यूल का जो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके साथ एक टेस्टिंग करेंगे, जो हमारा लोड है उसे हम हमारे एक रिले के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि लोड हमारा कम्प्लीटली चल रहा है कि नहीं रहा है। तो यहाँ भी हमारा जो लोड है वो कम्प्लीटली रन हो रहा है और जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा उसका जो सर्किट है वो भी हमारा यहाँ रन हो रहा है, इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बोर्ड के अंदर जो मॉड्यूलर बोर्ड आता है उसके अंदर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 प्लग का एक मॉड्यूलर बोर्ड है और इसके साथ मैं स्विच भी यूज़ कर रहा हूँ। तो असेंबलिंग करने के लिए फर्स्ट हम लोग इसके अंदर प्लग्स को लगा देंगे, फिर इसके स्विचेस लगा देंगे, सेकेंड इसका प्लग लगाएंगे, अब इसका सेकेंड स्विच कनेक्ट कर देंगे,
इसी तरह इसका थर्ड प्लग लगाएंगे, स्विच को कनेक्ट करेंगे। स्विच कनेक्ट करने के बाद अब इसका जो चौथा प्लग है उसे भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे जो प्लग का है वो असेंबलिंग हो गया है। अब हम इसका वायरिंग देखेंगे। तो वायरिंग करते हुए हमें समय ध्यान रखना है, यदि वायरिंग बराबर नहीं होगी तो बोर्ड में स्पार्क और ब्लास्ट हो सकता है। तो वो चीज़ आपको किसी, यदि आपको वायरिंग का किसी को नॉलेज हो उसके साथ में करिए, यदि आपको इसका अच्छा नॉलेज हो तो ध्यान से करें। तो वायरिंग करने के सेम मेरे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है यदि आप सेम बोर्ड बना रहे हो तो। तो पहले मैं यहाँ इसके अर्थिंग के वायर को कनेक्ट करने के लिए अर्थिंग का जो वायर है वो यहाँ से मैं कॉमनली कनेक्ट कर दूंगा। अब हमारा जो स्विच के वायर के साथ मैंने एक छोटे वायर्स लिए हैं रेड कलर का, तो वो स्विच के और हमारे प्लग के वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब थर्ड जो वायर है हमारा येलो कलर का वायर लेना है, और येलो कलर का वायर जो है जो दूसरा हमारा प्लग का कनेक्शन है यानी प्लग का, उसे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो सबके जो प्लग्स के वायर हैं सेकेंड, उसे हम लोग कॉमनली कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा कनेक्शंस जो हमारा बोर्ड का है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ हमें जो मेंस कनेक्ट करना है उसे हमें ध्यान से देखना है। तो मेंस के लिए पहले हमारा जो रिले के चारों वायर हैं, जो आउटपुट के जो वायर हैं, उनमें हमें रेड कलर का वायर कनेक्ट कर लेना है, जैसे मैं अभी यहाँ कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारे जो रिले के चारों वायर्स हैं वो रेड कलर के, वो हमें इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। और ये जो चारों वायर हैं वो हमारे स्विच है उसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर लेना है। जो हमारा स्विच का कनेक्शन है, जो वन बाय वन हमें जिस स्विच को और जिस प्लग के साथ कनेक्ट करना है वो हम इसके साथ कॉमनली कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे चारों जो रिले के वायर हैं वो हमारे स्विच के वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो ध्यान से देख सकते हो, तो वन बाय वन हम लोगों ने जो प्रोसेस अभी रन की है उसी तरह से आपको इसको फॉलो करना है। मेंस जो हमें वायर कनेक्ट करना है, मेंस का जो वायर, तो वो अभी ध्यान से रखना है। तो जो हमारा येलो कलर का जो वायर है, जो येलो कलर का वायर है जो हम लोगों ने कॉमनली कनेक्ट किया था, उसे हमारे जो येलो कलर का प्लग के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसे लेना है और उसे कनेक्ट कर लेना है। अब सेकंड जो हमारा मेंस, यानी मेरे पास यहाँ 2 पिन का प्लग्स पड़ा है अवेलेबल है, तो वो यूज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ 3 पिन का जो प्लग है उसे यूज़ करना है, जिसके अंदर आपको अर्थिंग का वायर भी मिल जाएगा। तो सेफ्टी यानी अर्थिंग की सेफ्टी के लिए आपको वो यूज़ करना है। तो अभी मेरे पास अवेलेबल 2 पिन का वायर है तो वो मैं ले लूँगा। अब यहाँ हमारे दोनों वायर फेज और न्यूट्रल है, जो रिले मॉड्यूल की पीसीबी है वो बैठ नहीं रही है। तो यहाँ मैंने इसके जो बीच में एक स्क्रू के लिए कनेक्टर दिया है उसे मैं कनेक्ट कट कर दूंगा। कट करने के बाद में हमारे रिले मॉड्यूल को यहाँ एडजस्ट कर लेना है। अब रिले मॉड्यूल को मैं यहाँ इस तरह से अच्छी तरह बैठा दूंगा, और जो हमारा फर्स्ट रेड कलर का वायर है उसे हमें प्लग के साथ कनेक्ट करना है, जो हमारा येलो कलर का वायर कनेक्ट हुआ है उसके साथ कनेक्ट करना है, और जो दूसरा जो वायर है ब्लू कलर का उसे हमारे रिले मॉड्यूल के थ्रू जो दूसरा वायर आ रहा था जिसे हम लोगों ने रिले के कॉमन के साथ कनेक्ट किया था उसे हमारे ब्लू कलर के साथ वायर कनेक्ट कर देना है और उसे टेप कर देना है। और ये हमारा जो वायरिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारे पास जो रिसीविंग मॉड्यूल है और रिले मॉड्यूल है उनको ग्लू गन के थ्रू कम्प्लीटली इसको कनेक्ट कर देना है। और इससे भी हमें वायर जो भी हमारे जो फेज और न्यूट्रल के वायर है उसे हम टेप के थ्रू उसको इंसुलेट कर देना है। इंसुलेशंस यानी हमारी इंसुलेशंस कंप्लीट हो गई है, और हम अभी ग्लू गन के थ्रू हमारे जो रिले मॉड्यूल है उसे भी हम लोग कम्प्लीटली इसके साथ अटैच कर देना है। तो ये जो बोर्ड है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे बोर्ड को फिट कर देंगे, जो चारों स्क्रू है। फाइनली हमारे जो चारों स्क्रू है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके ऊपर जो फिनिशिंग के लिए जो कैप्स आती है उसे भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। फाइनली मैंने इसको टेस्ट करने के बाद में आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी जो रेंज है वो भी अच्छी खासी है, यानी 100 मीटर तक RF का सिग्नल मिल जाता है। पर घरों के अंदर यदि आप हो, दीवारों आ जाती है तो थोड़ा सा रेंज कम हो जाता है। तो इस बोर्ड को बनाने के बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है, जैसे कि इस बोर्ड के अंदर आप मैन्युअली कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए पहले आपको आपके रिमोट से उसको ऑन रखना पड़ेगा, फिर आपको उसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसी के ऊपर है, जिसके अंदर हम लोग मैन्युअली भी कंट्रोल करेंगे, और मैन्युअली भी हम लोग टच से कंट्रोल करेंगे, और रिमोट को भी टच से कंट्रोल करेंगे।